When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी के इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सभी तरफ इस भाषण की खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदू, आरएसएस, नीट, अग्निवीर, अडानी, अंबानी जैसे कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन अब बीजेपी के लोग राहुल गांधी के भाषण के कई सारे चंक शेयर कर उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पर बात हो रही है वो है स्पीकर ओम बिड़ला पर किए कमेंट की। राहुल ने कुछ ऐसा कह दिया है कि खुद स्पीकर ओम बिड़ला को भरे सदन में सफाई देनी पड़ गई थी, परंपरा और सीनियरिटी का हवाला देकर अपनी बात समझानी पड़ी थी, लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी खूब उछाल रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, और वो भी तब जब पूरा का पूरा विपक्ष आए दिन ओम बिड़ला पर विपक्ष को बराबरी का मौका न देने की आरोप लगाता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। देखिए, ओम बिड़ला पर विपक्षी दल आए दिन ये आरोप लगाते रहते हैं कि वो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, जबकि स्पीकर का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सदन में जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो उन्होंने कह दिया कि जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े रहे, और जब पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक गए और उनसे हाथ मिलाया। जैसे ही राहुल ने यह बयान दिया वैसे ही बीजेपी के तमाम सांसद इस पर विरोध जताने लगे। खुद अमित शाह ने खड़े होकर आपत्ति जताई और कहा कि ये आसन पर आरोप है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर स्पीकर ओम बिड़ला भी सफाई देते हुए दिखाई दिए। सुनिए, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। अब ओम बिड़ला की सफाई के बाद दोबारा राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए और दोबारा से ओम बिड़ला की सफाई पर अपना पक्ष रखने लगे। सुनिए राहुल ने इस बार क्या कुछ कहा। आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। देखिए, वैसे तो राहुल गांधी के भाषण में इस बार कई सारी ऐसी चीजें थी जिससे बीजेपी को खूब मिर्ची लगी है, जैसे कि हिंदू वाला बयान। इस बयान को सुनकर खुद पीएम मोदी ने खड़े होकर आपत्ति जताई थी, जो अब तक बहुत ही कम देखने को मिला है। दरअसल राहुल ने अपने भाषण के दौरान एक वक्त में बीजेपी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, हिंदू हो ही नहीं। और बस राहुल का इतना कहना था कि पीएम मोदी अपनी सीट से खड़े होकर खुद आपत्ति जताने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इसके अलावा राहुल गांधी के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने एक बार और खड़े होकर आपत्ति जताई थी। अमित शाह ने 5 बार और अग्निवीर की चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने भी अलग से खड़े होकर आपत्ति दर्ज की। बीजेपी और उससे जुड़े लोग जिस तरह से राहुल गांधी के इन भाषणों का हिस्सा वायरल कर उन पर निशाना साध रहे हैं, ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो खुद ओम बिरला की पुरानी और अभी की तस्वीर शेयर कर रहा है।
पहली तस्वीर साल 2019 की है, जिसमें स्पीकर बनने के दौरान ओम बिड़ला कुछ इस तरह से पीएम मोदी से मिले थे, और दूसरी तस्वीर साल 2024 की है, यानी कि अभी भी, जिसमें मिलने का अंदाज कुछ ऐसा है। ये फोटो मीरा कुमार की है, जिसमें वो दूसरे मनमोहन सरकार में स्पीकर बनी थी, और तब उन्होंने विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को झुककर अभिवंदन किया था, लोकसभा या फिर राज्यसभा। यहाँ इसी तरह की नोक झोंक, तीखी टिप्पणी और मजेदार किस्से कहानियां होती रहती है, जिसमें हम अपने चैनल अनकट पर आपको दिखाते रहते हैं। और अगर आपको इस तरह के किस्से कहानियां और वाक्यों देखने में मजा आता है, तो आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।